हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागरवंशीज किचन। आज हम बनाएंगे तंदूरी कुल्लड़ चाय, वो भी दो आसान तरीके से। वो दो आसान तरीके क्या हैं, प्लीज़ बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए कुल्लड़ चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर भगोनी रख देंगे, उसमें हमने आधा कप दूध डाल दिया है। दूध गर्म हो जाने के बाद आधा कप पानी डाल दें। हम यहाँ पर एक कप चाय बना रहे हैं, तो आधा कप पानी आधा कप दूध डाला है। उसके बाद हमने एक चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। फिर आप इसमें डेढ़ चम्मच के लगभग शक्कर डाल दें। अब मैं इसमें अदरक कस के डाल रही हूँ एक टुकड़ा। अगर आपको फ्लेवर वाली चाय पीनी है तो आप इसमें दूसरे फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, अदरक और भी दूसरी चीज़ें। तो मुझे तो यहाँ पर कड़क अदरक वाली चाय पीनी है, जैसे कि बारिश और मॉनसून का सीज़न है, तो मुझे यहाँ पर अदरक वाली कड़क चाय चाहिए थी, तो मैं वही चाय यहाँ पर बना रही हूँ। अब मैं इसको लो फ्लेम पर अच्छे से खटकने दूँगी, तो आप भी इसमें बहुत देर तक उबाल आने दें। बीच बीच में आप इसको चम्मच की सहायता से चलाते जाएं। बढ़िया इसको उबाल आने दें। मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक इसको पकाया था, मतलब कि उबाल आने दिया, तो आप भी इतना तो उबाल आने दें इसमें। देखिए हमारी चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है, क्योंकि मुझे ये चाय कुल्लड़ में डालनी है और वो भी गर्म, तो इसे मैं ढक के रखूँगी और शायद ये ठंडी हो जाए, तो इसको दोबारा से गर्म करने के लिए मैंने पहले से ही इसको एक बर्तन में ले लिया है। ध्यान रहे आप कुल्लड़ में ठंडी चाय बिल्कुल ना डालें, वरना आपकी तंदूरी चाय बनकर तैयार नहीं होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुत ही आसान ट्रिक से तंदूरी कुल्लड़ चाय बनाएंगे। तो पहली आसान ट्रिक तो यही है कि आप अपने गैस को ही तंदूर बना लें। बड़े बड़े शहरों में रहने वालों के पास तंदूर अवेलेबल नहीं होता, चूल्हा अवेलेबल नहीं होता, तो उनके पास जो गैस होती है उसी को वो तंदूर बना लेते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ देखी हैं जो गैस पे ही बनाई जा रही हैं, और वो सभी तंदूरी रेसिपी होती हैं, तो क्यों ना तंदूरी चाय भी गैस पे सबसे पहले बनाई जाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुल्लड़ को गैस पे सेक रहे हैं। मैंने गैस की फ्लेम को तेज कर रखा है, चिमटे की सहायता से पलट पलट के मैं इसको सेक रही हूँ। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में इसका कलर बिल्कुल लाइट था, जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये डार्क होता जाएगा। तो आप इसको पलट पलट कर पकाएं। मैंने इसको 25 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाया है। ये कुल्लड़ पक चुका है। ये देखिए बिल्कुल डार्क इसका कलर हो चुका है। आप इसको अच्छे से सावधानी पूर्वक पकाएं, क्योंकि इसमें से बहुत हीट आती है। अब हमारा कुल्लड़ पक चुका है। इसके बाद हमने इसको एक बाउल में बिल्कुल बीचों बीच रख लिया है। बाउल लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो चाय खतक के बाहर आएगी वो पूरी बाउल में ही जाएगी, तो आप यहाँ पर बाउल ज़रूर लें। हमने इसमें इस चाय को डाल दी है, और देखिए कैसे ये तंदूरी चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसकी खतक अभी तक चल रही है, इसका मतलब ये अच्छे से सीखा था। अब इस चाय को हम दूसरे कुल्लड़ में ले लेंगे। दूसरे कुल्लड़ में हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो पहला कुल्लड़ था वो काला हो चुका था, और हमने इसको साफ कुल्लड़ में दोबारा से ले लिया है। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर चूल्हे में इसको सेका है। अगर आपके पास चूल्हा है घर में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही असली तंदूर कहलाता है। ये देखिए हमारा कुल्लड़ यहाँ पर पक चुका है। इसके बाद मैंने एक बाउल लिया था, बाउल के बीचों बीच यहाँ पर मैंने गर्म कुल्लड़ रख दिया, उसमें चाय डाल दी है। तो देखिए कैसे उफन के बाहर आएगी। इसी को कहते हैं असली कुल्लड़ वाली चाय। अगर आपके पास चूल्हा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्लीज़ पहली प्रोसेस ज़रूर अपनाएं, गैस को ही अपना तंदूर बनाएं।
और उस पर कुल्हड़ सेक के तंदूर वाली चाय ज़रूर बनाएं। तो देखिए हमारी तंदूर चाय बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे दूसरे कुल्हड़ में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक साफ़ कुल्हड़ ले लिया है क्योंकि पहले कुल्हड़ का हाल तो आप सभी ने देख लिया है कैसा हो चुका था, बिल्कुल काला। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको दूसरे कुल्हड़ में ले लिया है, ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय बना सकते हैं। ये देखिए हमारी तंदूर चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।